हाय दोस्तों, मेरा नाम है उमेश पंत और चलत मुसाफिर की इस नई पहल हेलो मुसाफिर में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं राइटर हूँ और ख़ासकर ट्रैवल पे लिखता हूँ। मेरी दो किताबें आ चुकी हैं, एक है इनर लाइन पास जो कि उत्तराखंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत के ट्रैक पे बेस्ड है, और दूसरी किताब है दूर दुर्गम दुरुस्त। ये किताब है पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में मेरी यात्रा पर आधारित यात्रा वृतांत। अब जो मुझसे सवाल पूछे गए हैं मैं उनके जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल है कि अब तक का सबसे रोमांचक सफ़र मेरा कौन सा रहा। तो मेरा सबसे रोमांचक सफ़र तो वही रहा जिस पर मेरी पहली किताब भी आई, और ये था आदि कैलाश और ओम पर्वत का ट्रैक, जिसमें हमें एक रात जंगल में बितानी पड़ी। लगातार ज़बरदस्त बारिश होने लगी। पहले हम जब ओम पर्वत और आदि कैलाश गए तो वहाँ बहुत खूबसूरत दृश्य हमें मिले, बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन लौटते हुए अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगी और लगभग 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। और इसी बीच हमें एक रात जंगल में बितानी पड़ी क्योंकि वो पुल जिसे हमें पार करना था वो हमारी आँखों के सामने बह रहा था। तो ये बहुत ख़तरनाक स्थिति थी और किसी तरह हमने वो रात गुजारी, पता नहीं बच कैसे गए। अगले दिन किसी तरह पुल पार किया और हम बच के वहाँ से निकल आए। तो सबसे रोमांचक यात्रा मेरी आज तक की यही थी। प्रकृति को मतलब इतना कहर बरपाते हुए मैं पहली बार देख रहा था। तो मेरी सबसे रोमांचक यात्रा यही आदि कैलाश और ओम पर्वत की ट्रैक की यात्रा रही। 18 दिनों का ट्रैक था जो कि लगभग 200 किलोमीटर के आसपास पैदल हम लोग चले और किसी तरह जान बचाकर लौट आए। हाँ, दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये मुसाफिर यात्रा में होता है तो उसके झोले में क्या क्या होता है। तो यात्रा पे अक्सर जब जाने के लिए, अब तो कई यात्राएं करनी होती हैं और उन यात्राओं पे जाने के लिए कुछ चीज़ें तो मैंने लगातार रख ली हैं, जो कि जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टॉयलेटरी। उसके लिए एक बैग है, उसमें आपकी बेसिक ज़रूरतें कंघी, शेविंग का सामान, साफ़ सफाई का सामान, साबुन, ये सब रहता है। और दूसरे जो चीज़ें हैं वो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे टॉर्च आप अपने पास अक्सर रखते हैं, और मैं अपना कैमरा ले जाना नहीं भूलता क्योंकि मैं यात्राओं को डॉक्यूमेंट भी करता हूँ। इसी बहाने थोड़ा प्रचार कर दूँ कि यात्राकार नाम से यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है जिस पर आप मेरे ट्रैवल वीडियो देख सकते हैं। तो उन ट्रैवल वीडियो को बनाने के लिए मैं कैमरा ज़रूर रखता हूँ, एक DSLR कैमरा और एक GoPro मेरे पास हमेशा रहता है। इसके अलावा अगर हाई अल्टीट्यूड ट्रैक है तो उसके लिए ज़रूरी जो गर्म कपड़े हैं वो रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। और हायर अल्टीट्यूड में ये होता है कि आपको कपड़े लेयर्स में रखने होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मोटे मोटे कपड़े लें और अपना बैग भर दें, बल्कि आप कपड़े रखें ऐसे जो कि आपको ठंड से बचाएं और वो लेयर्स में हों। जैसे एक पतली स्वेटर हो सकती है, उसके बाहर एक पतली जैकेट हो सकती है, उसके अंदर टी शर्ट हो सकती हैं 2-3। तो इस तरह से आपको लेयर्स में कपड़े पहनने होते हैं। बहुत भारी सामान अगर लेके जाएंगे और ट्रैक करेंगे तो फिर उसको उठा भी नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको अलग से पॉटर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कोशिश करता हूँ कि पॉटर की ज़रूरत हमें ना पड़े, हम अपना सामान खुद ले जाएँ, तो ये बेटर रहता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि कुछ पॉलीथीन मैं रख लेता हूँ, क्योंकि जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे आप कूड़ा ना करें और वो सारा कूड़ा आप उस पॉलीथीन में डाल दें और उस पॉलीथीन को अपने साथ लेके चलें और फिर जहाँ डंप करने की प्रॉपर अरेंजमेंट हो वहाँ डंप कर दें। तो ये भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने पास रखता हूँ वो है एक नोटपैड और एक पेन। तो ये मैं जहाँ भी जाता हूँ उस पर कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ लिखूँ, तो जो भी इम्पॉर्टेंट मोमेंट होते हैं वो आपको याद रहें, इसके लिए मैं उनके नोट्स बना लेता हूँ। तो वो मेरे पास एक डायरी और एक पेन हमेशा रहता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि एक ट्रैवलर के, और वो ट्रैवलर जो कि एक राइटर भी है, उसके झोले में रहती हैं। अगला सवाल ये है कि सफ़र में वो 5 बातें जिनका आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा बजट का बहुत मैं ध्यान रखता हूँ। जहाँ पे अपना खर्चा कम कर सकते हैं वहाँ पे खर्चा कम कर लीजिए, और जहाँ पे आपको लगता है ये बहुत ज़रूरी है वहीं पे खर्चा कीजिए। पहली बात तो ये है कि आप अपने बजट का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ आप जा रहे हैं उसे वो गंदा ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ ये है कि जिस जगह आप जा रहे हैं उस जगह के लोगों की, उनके कस्टम की, उनके रिचुअल्स का सम्मान करें, उनके साथ बड़े पोलाइटली पेश आएँ। अगर आप अच्छे से पेश आएंगे तो वो भी आपसे अच्छे से पेश आएंगे, और अगर आपने बदतमीज़ी की तो वो भी आपसे बदतमीज़ी से पेश आएंगे। तो तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ ये है कि सफ़र में जो बहुत रोचक होता है उसे नोट करना मैं हमेशा याद रखता हूँ, क्योंकि अगर आपने कुछ लिख लिया है, नोट्स ले लिए हैं, तो अगर आप चाहे 10 साल बाद उस पर कुछ लिख रहे हैं तब भी आप उस पर लिख पाएंगे, लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप घर आते ही वो सब भूल जाएंगे। वहाँ आपको लगेगा ये तो बहुत रोचक चीज़ है और घर आके आपको याद भी नहीं रहेगा, तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो एज अ राइटर मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि अपने पास जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको एक बार नोट कर लिया जाए।
एक जो आई थिंक पांचवी चीज़ ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, वो ये कि आपका जो भी नोटपैड है उसमें आप अपने नंबर्स, कुछ ज़रूरी नंबर्स लिख के ले जाइए, क्योंकि कई बार होता ही है कि ट्रैवल में आपका फ़ोन खो सकता है। तो अगर एक बार आपका फ़ोन खो गया और आप किसी समस्या में फंस गए, क्योंकि जिन जगहों पर मैं ट्रैवल करता हूँ, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जब मैं ट्रैवल कर रहा था मेरा फ़ोन खो गया, तो मेरे पास डायरी में नंबर लिखे हुए थे। इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स जो मुझे करनी थी वो मैं कर पाया। तो अपने घर वालों के और जो ज़रूरी लोग हैं उनके नंबर आप एक डायरी में लिख के ज़रूर रखें। वो सफ़र जो आपके दिल के ज़्यादा करीब है, हाँ, तो सबसे ज़्यादा करीब अगर देखें तो वो आदि कैलाश और पर्वत का ट्रैक ही है, क्योंकि मेरा पहला हायर अल्टीट्यूड ट्रैक था और पहली बार मैं 5000 मीटर के आसपास की ऊंचाई में जा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक वो पहाड़ी खून था कि हम, क्योंकि पहाड़ चढ़ने की हमें आदत शुरू से रही है, इतना हायर अल्टीट्यूड ना रही हो भले, लेकिन फिर भी हम चढ़ गए और ये ट्रैक हमने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। वो बात और है कि हमने जान बचा के लौटना पड़ा, लेकिन सबसे जो ज़रूरी सफ़र है, सबसे ज़्यादा करीब है वो ये है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का सफ़र भी मेरे बहुत करीब है, और नॉर्थ ईस्ट में ख़ासकर ज़ूको वैली जब हम गए थे, तो वैसी वैली मैंने आज तक एकदम हरा भरा विस्तार जो है, बांस के छोटे छोटे पेड़ हैं और बहुत ही खूबसूरत वैली है। तो नॉर्थ ईस्ट की कई हिस्से जो हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं, डबल डेकर रोड ब्रिज, पेड़ों का बना हुआ एक ब्रिज मैंने पहली बार देखा, और ये हमारी जो पुराने कस्टम्स हैं उन कस्टम्स को किस तरह से बचाए रखा है उन लोगों ने, ये भी अपने में बहुत गौर करने वाली बात है। और ये एक पुरानी टेक्निक जो है कि आप एक पेड़ जो है उसकी जड़ इस तरह से आप फैला देते हैं कि वो एक पुल बन जाता है, और वो एक मंजिला नहीं बल्कि दो मंजिला पुल, और इतना पक्का पुल जिसमें 50 लोग तक एक साथ चल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट के ट्रैवल में जो कि अनछुई थी, अनदेखी थी, वो चीज़ें पता चली, और उस पर एक किताब भी मैंने फिर वापस आके लिखी जिसका नाम है दूर दूर तुम दुरुस्त। आपके लिए घुमक्कड़ी के क्या मायने हैं? घुमक्कड़ी एक तरह का नशा है मेरे लिए, और ये नशा करना समय समय पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर 2-3 महीने में मैं कहीं ना जाऊं तो मुझे कुछ अंदर से उथल पुथल सी होने लगती है, और मन करता है कि अब बैग उठाओ और रक्सैक उठाओ और चल पड़ो, और मैं कोशिश करता हूं ऐसा कर भी पाऊं। कई बार कई कंस्ट्रेंट होते हैं आप नहीं कर पाते, जैसे अभी कंस्ट्रेंट है कि लॉकडाउन है और हम कहीं सफ़र नहीं कर सकते, तो ऐसे मौक़ों के लिए मैं तस्वीरें भी ले लेता हूँ, वीडियो भी ले लेता हूँ, तो वो जो याद है उन्हीं तस्वीरों और वीडियो के ज़रिए समेटने की कोशिश कर सकते हैं ऐसे मौक़ों पर। लेकिन हाँ, ट्रैवल जो है वो जैसे लोगों के लिए और एसेंशियल्स हैं, वैसे ही मेरे लिए ट्रैवल करना भी एक बहुत एसेंशियल और बहुत ज़रूरी काम है, जिसके बिना मन जो है वो नहीं लगता। और ट्रैवलिंग आपको, मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान ट्रैवलिंग बनाता है, यात्राएं बनाती हैं। जब आप यात्रा करते हैं तो आप इतने तरह के लोगों से मिलते हैं, उनकी परंपराओं को देखते हैं, उनके कल्चर को देखते हैं, कि आप समझ पाते हैं कि अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं। तो आपके जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो तोड़ने का काम भी ट्रैवल कई बार करता है, जो लोगों के बारे में आपके स्टीरियोटाइप होते हैं कि कोई आदमी अगर ऐसा दिखता है तो वैसे बिहेव भी करता होगा, या इस जगह का है तो, जैसे बंगालियों के बारे में लोगों के स्टीरियोटाइप्स होते हैं, या पहाड़ियों के बारे में लोगों के स्टीरियोटाइप्स होते हैं, बिहारियों के बारे में लोगों के स्टीरियोटाइप्स होते हैं। ये सारे स्टीरियोटाइप जो हैं वो यात्राएं तोड़ती भी हैं, तो यात्रा आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करती हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आपको खुद को बदलना है और खुद के बारे में और जानना है, तो यात्राएं करना सबसे इम्पोर्टेंट है। लॉकडाउन कैसा कट रहा है, और सबसे पहले इसके ख़त्म होते ही आप कहाँ जाएंगे? अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अभी शायद मैं साउथ के ट्रिप पर निकल गया होता, लेकिन बीच में लॉकडाउन हो गया और वो ट्रिप नहीं हो पाया संभव किसी तरह। तो अब मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद काफ़ी टाइम तक भी आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, वो इसलिए क्योंकि अभी कम से कम एहतियात बरतना एक नागरिक के तौर पे बहुत ज़रूरी है, थोड़ा संयम ज़रूरी है। यात्राएं ज़रूरी हैं पर इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालें। मुझे लगता है अभी मैं ठहरूंगा उस समय, और उसके बाद जब मौका मिलेगा, तो नज़दीक हिमाचल है और हिमाचल की बहुत सारी जगहों पर मैं अभी गया नहीं हूँ, तो एक हिमाचल का लंबा ट्रिप मैं करना चाहूँगा,
और उसके बाद शायद साउथ का ट्रिप, साउथ इंडिया का ट्रिप मैं करूँगा। तो देखते हैं कैसे माहौल बनता है, और अभी तो बहुत अनिश्चितता का दौर है, लॉकडाउन की स्थिति है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो जब ये खुलेगा तो एक बार समझ आएगा कि कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते, तो उसके बाद मन बनाया जाएगा। लेकिन यात्रा, हाँ ये तो है कि लॉकडाउन के खुलने के कुछ टाइम बाद जब ऐसे हालात बन जाएंगे कि यात्रा की जा सकती है, तो यात्रा पर निकलना तो है, वो कुलबुलाहट होने लगी है अभी से। यात्राओं को दर्ज करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप अपने समय का इतिहास भी लिख रहे होते हैं। बर्नियर हैं, फ्रांसीसी यात्री इब्ने बतूता हैं, और इस तरह के कई यात्री हैं, इंसांग हैं, इस तरह के कई यात्री हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे देश के बारे में दुनिया भर को बताया। हमारे यहाँ खुद अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा वाले राहुल सांकृत्यायन हैं, या फिर अगे हैं, यशपाल हैं, ऐसे कई राइटर्स हैं, लंबी परंपरा है जिन्होंने यात्रा वृतांत लिखे। काका कालेकर हैं, अमृतलाल वेगड़ हैं, ऐसे कई लोग हैं जो यात्रा, जिन्होंने यात्रा वृतांत लिखे और उन जगहों के बारे में लोगों को बताया जो अनछुई थी। तो इसीलिए लिखना ज़रूरी है यात्राओं के बारे में। आप भी लिखिए, पढ़ते भी रहिए। चलत मुसाफिर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यात्राओं पर बात करने का मुझे ये एक सुनहरा मौका दिया, और यात्राओं में रुचि रखने वाले लोगों से जुड़ने का ये मौका दिया। तो घुमक्कड़ी वाले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चलत मुसाफिर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके पास अपडेट्स भी आपको मिलते रहें, और चलत मुसाफिर देखते रहें। साथ में मेरा भी एक चैनल है जिसका नाम है यात्राकार, उसको भी यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में एक वेबसाइट है yatrakar.com जिस पर जाकर आप मेरी घुमक्कड़ी की तमाम चीज़ें देख सकते हैं। उसमें सब कुछ है मेरे बारे में भी, और मेरी किताबों के बारे में, मेरी तस्वीरें हैं ढेर सारी जो मैंने दुनिया भर में घूमते हुए खींची हैं। तो चलत मुसाफिर को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में यात्राकार को भी सब्सक्राइब कीजिए।